नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। पिछले दिनों यहां पर चोरी की कई तरह की घटनाएं हो रही थी, जैसे कार का शीशा तोड़कर चोरी कर लेना या फिर बाइक की डिक्की तोड़कर चोरी कर लेना। उसमें एक गिरोह शामिल था जो प्रकाश में आया है। ये गिरोह एक प्रोफेशनल गिरोह है जो बिहार के कटिहार के कोढ़ा के नाम से जाना जाता है। इसमें से एक चोर की गिरफ्तारी हुई है, जिसने स्वीकार भी किया, उसके पास से कुछ चीजें बरामद भी हुई है। और जो हमारे पास टेक्निकल एविडेंसेज हैं, उसमें इन लोगों का मैंने इसकी संलिप्तता सामने भी आई है। तो इस प्रकार ये चोरी की जो घटनाएं हो रही थी, उसका उद्भेदन हुआ है और उसमें इसकी गिरफ्तारी के बाद आगे भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। बाकी इनके गिरोह के जो भी सदस्य हैं, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया। प्रतिबंधित से आकर के गिरोह यहाँ काम करता है, इनका काम करने का तौर तरीका क्या था, कैसे भिन्न है यहाँ के अपराधी? देखिए, ये एक बिल्कुल ही प्रोफेशनल ग्रुप है। उस एरिया से ये लोग, उस एरिया के नाम से ये लोग जाना जाता है। ये लोग चोरी का ये मतलब एक प्रसिद्ध ये गिरोह है। इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी होता है, मतलब चोरी करने के जो तरीके, ये लोग कायदे से देखे तो ये लोग रिसर्च करते हैं कि किस किस तरीके से चोरी की जा सकती है। जैसे दो चीजें मैंने आपको यहाँ बताई कि कार का शीशा तोड़कर चोरी कर लेना, तो उसमें भी इनका अपना एक्सपर्ट होता है। वो चोरी करेगा, कार का शीशा तोड़ेगा, बगल में बैठे हुए आदमी को, बगल में थोड़ी दूरी पर जो होगा उसको पता नहीं चलेगा। कार जो बाइक की डिक्की तोड़ेगा, मैंने खोलेगा, इस तरह से खोलेगा कि पता नहीं चलेगा कि बहुत एक्सपर्ट है, वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि कर ले। इसी तरह किसी के ऊपर खुजली का पाउडर डाल देना कि बाद में उसको खुजली होने लगेगी थोड़ी देर में, उसके बाद जब तक वो खुजलाने के लिए अपना व्यस्त होगा तब तक उसका जो भी सामान होगा, जो भी रुपए होंगे उसके पास, उसको छीनकर भाग जाना। या फिर कोई चीज घोल कर उसके पीछे उसे कपड़े पे डाल देना, फिर आगे जाने पर उसी को बताना कि देखो तुम्हारे पीछे कुछ गंदा लगा हुआ है, तो वो गंदे के पीछे जब तक घूमेगा तब तक इसका सामान छीनकर लोग भाग जाएगा या चोरी करके भाग जाएगा। तो ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल गिरोह है। और सिर्फ यही नहीं, और भी कई जगहों से इन लोगों के द्वारा चोरी की घटनाएं हुई, जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ या फिर झारखंड हुआ। ये मतलब एक तरह से राज्य के बाहर जाकर ये लोग चोरी हो रही की टेक्निकल तरीके से लोग चोरी कर। हाँ, ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग वैसे भी सप्ताह में एक बार अनुमंडल स्तर पर ये चोरी का, अवैध शराब के विरुद्ध ये हम लोग अभियान चलाते रहे। इस समय दुर्गा पूजा को देखते हुए शादी समिति की बैठक में भी हम लोग की ये चर्चा हुई थी। जो भी अवैध शराब, चाहे वो महुआ हो या फिर और जो चीजें हो, उसके विरुद्ध हम लोग छापामारी चलवा रहे हैं। कल भी छापेमारी हुई है, यहाँ से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई, उसके साथ कुछ शराब भी, अवैध शराब भी बरामद हुआ है। और इसके अलावा बाकी जो भी थाना है हमारे, उन सारे थानों में कल छापेमारी हुई है और ये लगातार चलता है। पकड़ा गया है, क्या है मामला? हाँ, वो एक घटना हुई थी, एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी बाइक से कुछ चीजें मिली हैं, तो अभी उसको एफएसएल जांच के लिए हम लोग भेजे हुए हैं और प्राथमिकी दर्ज करके आगे कार्रवाई की है। इसमें गिरफ्तारी भी है? हाँ, जिस व्यक्ति के बाइक से वो मिला है उसको अभी लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है।